पुतिन के इस भारत दौरे में भारत रूस के बीच सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ और सख्ती से निपटने के लिए भी दो टूक बात की गई है। यह खबर पाकिस्तान को परेशान कर सकती है, क्योंकि रूस ने जब से पाकिस्तान के साथ साझा मिलिट्री ड्रिल की थी, उसे लगने लगा था कि रूस भारत के मुकाबले उससे ज्यादा करीब हो रहा है। पुतिन के इस भारत दौरे में आतंकवाद के साथ साथ आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर भी भारत रूस और करीब आए। दुनिया में बदलाव आना सामान्य बात है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, पर भारत और रूस की दोस्ती कभी नहीं बदली। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज तक, ट्रेड से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग से लेकर सौर ऊर्जा तक, टेक्नोलॉजी से लेकर टाइगर कंजर्वेशन तक, आर्कटिक से लेकर फार ईस्ट तक और सागर से लेकर के अंतरिक्ष तक भारत और रूस के संबंधों का और भी विशाल विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द सिर्फ कूटनीति का औपचारिकता भर नहीं, ये भारत और रूस के गहरे रिश्तों की सच्चाई है, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कुवत है। इसलिए भारत रूस 19वें समिट में जब राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो दोनों देशों के बीच जिस मसले पर सबसे ऊंचा सुर सुनाई पड़ा वो मसला था आतंकवाद। भारत रूस ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को शरण देने के खिलाफ आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे पर निर्णायक जवाब देने पर जोर दिया। मोदी पुतिन की मुलाकात के बाद साझा बयान में कहा गया कि दोनों देश आतंकी आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा और भर्ती का मुकाबला करने के लिए आतंकी नेटवर्क, उनकी फाइनेंसिंग और हथियार सप्लाई चैनल्स को नष्ट करने की कोशिशों में तालमेल करेंगे। आतंकवाद पर साझा बयान में दिखाई गई सख्ती खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर बेहद अहम है, क्योंकि बीते कुछ साल में पाकिस्तान ने भी रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की है। We have to accept the fact that things are moving in this area. Russia and India have a well-established friendship. We have been together for decades now. And now President Putin's visit will no doubt, it will certainly take us further forward in the path of our mutual cooperation. आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के अलावा पुतिन के इस भारत दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच 8 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। इन समझौतों में भारत के मानव स्पेस मिशन प्रोजेक्ट गगनयान पर रूस का सहयोग शामिल है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि रूस भारत की विकास यात्रा का साथी है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अफगानिस्तान तथा इंडो पैसिफिक के घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों एवं G20 तथा आसियान जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को जारी रखने पर सहमत हुए। पुतिन के इस भारत दौरे में भारत रूस हाई डील और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। साथ ही रूसी कंपनियों के भारत में निवेश का माहौल कैसे बढ़े, इसे लेकर मोदी और पुतिन की ये मुलाकात अहम साबित हो सकती है। रूस की कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा हो, इसके लिए हमने रशिया प्लस नाम से एक व्यवस्था खड़ी की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है रूस के निवेशकों को एवं कंपनियों को आवश्यक जो भी सहयोग चाहिए वो प्रदान करना, और मुझे बताया गया है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं। 23 प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे सहयोग से निश्चित ही दोनों देशों के बीच बिजनेस एक्टिविटीज और बढ़ेगी। मोदी पुतिन की मुलाकात में भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी बात हुई। दोनों देशों के साझा बयान में दुनिया के सभी देशों से पेरिस जलवायु समझौते को मानने को कहा गया।
साझा बयान में कहा गया कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन के मसले पर विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद दें। दिल्ली से गीता मोहन के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।